जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। इंडियन आर्मी के अंदर आप सभी यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो नई भर्ती आ चुकी है, जिसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी की टोटल 82 वैकेंसी रहने वाली, यानी 82। 10th पास योग्यता मांगी गई है। अग्निवीर सैफ ट्रेडमैन के लिए 5 वैकेंसी, अग्निवीर म्यूजिशियन ट्रेडमैन के लिए 3 वैकेंसी, अग्निवीर सिटवार ट्रेडमैन के लिए 1 वैकेंसी, अग्निवीर ड्रेसर ट्रेडमैन के लिए 1 वैकेंसी, अग्निवीर हाउसकीपर ट्रेड्समैन जो कि आपकी 8th पास होती है, इसमें आपकी टोटल 16 वैकेंसी 8वीं पास वाले बच्चों के लिए निकाली गई है। साथ ही अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट जिसे हम क्लर्क बोलते थे पहले, उसके लिए 9 वैकेंसी, जिसमें आपकी योग्यता आपको पता 12th पास मांगी जाती है। अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 9 वैकेंसी, 12th पास योग्यता मांगी जाती है। ये भर्ती आपके लिए आ चुकी है। ये भर्ती जो आपकी चलने वाली है कब से कब तक चलने वाली है, तो ये भर्ती जो आपकी होगी 7 नवंबर 2024 से लेकर के 14 नवंबर 2024 तक चलने वाली है। कहाँ पर कराई जाएगी ये भर्ती? कराई जाएगी AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ के अंदर, यानी कि R1 मेडिकल कोर जो आपका होता है AMC सेंटर, वहाँ पर आपकी भर्ती लखनऊ के अंदर कराई जाएगी। और साथ ही इसके लिए पहले सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जो ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट होने हैं वो कब से कंडक्ट कराए जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 सितंबर 2024 से शुरू होने हैं फॉर्म, और 15 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म आपको वेबसाइट से नहीं भरना होगा। क्या है कि आपके फॉर्म जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट्स के और अपने फ़ोन नंबर की आपको एक PDF बनवानी होगी। PDF बनवाने के बाद जो आपकी मेल ID दी हुई है इस मेल ID पर आपको सेंड करना होगा। जैसे ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो जिस दिन से आपकी भर्ती स्टार्ट होगी, यानी कि 7 नवंबर से आपकी भर्ती स्टार्ट होगी, तो उससे पहले आपके लिए एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो और ये भर्ती मैं आपको बता दूँ, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताऊँ, उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल इंडियन आर्मी से संबंधित अर्धसैनिक बल हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, किसी भी स्टेट की पुलिस की भर्ती हो, सभी की इंपॉर्टेंट भर्ती जो भी आती है उसकी अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहती है। यूनिट हेडक्वार्टर कोटा, एनरोलमेंट रैली फॉर अग्निवीर कैट AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ फ्रॉम 7 नवंबर टू 14 नवंबर 2024, यानी कि जो ये भर्ती रहने वाली है आपकी, ये रहने वाली है रिलेशन वालों की। यहाँ पर देख सकते हो यूनिट हेडक्वार्टर कोटा, यानी कि आपकी रिलेशन की भर्ती होने वाली है। साथ में इसमें अगर आपके पास रिलेशन नहीं है तो भी आप एक ट्रेड इसमें ऐसी है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही उसमें जाकर के आप डायरेक्ट भर्ती भी देख सकते हो। तो वो कौन सी ट्रेड रहने वाली है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इसमें जो आपके मैं बता दूँ कौन कौन हिस्सा ले सकते हैं, AMC सेंटर एंड कॉलेज हेड UHQ क्वार्टर एनरोलमेंट रैली रिक्रूटिंग ईयर 2024-25 ऑफ सन ऑफ सर्विसमैन, यानी कि जिनके पिताजी फौज में एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, या फिर वॉर विंडो में शहीद हो चुके हैं, या फिर उनका रियल ब्रदर है, या फिर उनके दादा हैं आर्मी में, यानी कि जिनके घर में से कोई भी परिवार का सदस्य है आर्मी के अंदर है, तो वो बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिलेशन होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपके पास रिलेशन अनिवार्य है। अगर आपके पास रिलेशन नहीं है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप कौन सी भर्ती में आवेदन कर सकते हो ये भी मैं बताऊँगा। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट जिसे हम क्लर्क बोलते हैं, अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल SKT, अग्निवीर GD, AMB असिस्टेंट एंड DVR मिल व्हीकल DMV, साथ ही अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास सेफ सिटवार ड्रेसर म्यूजिशियन ओपन कैटेगरी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास हाउसकीपर, यानी कि हाउसकीपर के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये भर्ती आपकी 7 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2024 तक कंडक्ट कराई जाएगी। कहाँ पर? AMC सेंटर के अंदर आपकी ये भर्ती कराई जाएगी। साथ ही फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है, ये मेल आईडी मैंने आपको बताई दी है। इस वाली मेल आईडी पर आपको 15 अक्टूबर से पहले फॉर्म भर के भेजना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास अगर 10वीं से फॉर्म भरते हो तो 10वीं की मार्कशीट, अगर 12वीं से फॉर्म भरते हो 10वीं और 12वीं दोनों की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। जैसे आप ट्रेडमैन के लिए, जैसे आप टेक्निकल के लिए, या फिर आप ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर के लिए फॉर्म भरते हो तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको लगानी होगी। साथ में स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट एज पर AX, यानी कि स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही रिलेशन सर्टिफिकेट इशू बाय AMC रिकॉर्ड, या फिर कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस, या फिर कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस से होना चाहिए, या फिर AMC रिकॉर्ड ऑफिस से आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। पर्सनल ईमेल आईडी और फोन नंबर, और एक बात का वैसे ध्यान रखना, जो फ़ोन नंबर है वो आपका लिंक होना चाहिए आधार कार्ड में, साथ में आधार कार्ड, और साथ में द ईमेल सब्जेक्ट हैंडिंग टू द क्लियरिंग स्टेट विच कैटेगरी एप्लीकेशन हैज अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन मोर कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली आपको बताया हुआ कि ईमेल करते समय जब आप फॉर्म भेजोगे PDF बना करके, ईमेल करते वक्त आपको उसमें लिखना होगा कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, यानी कौन से स्टेट से आप आते हो, किस कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हो, कैटेगरी लिखनी होगी। और एक बच्चा एक ही कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि दो ट्रेड से आवेदन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद में अगर हम चलते नीचे की तरफ तो यहाँ पर सारा कुछ बताया हुआ जो आपके पुराने नोटिफिकेशन में होता है, वही सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी वगैरह के बारे में आपको आपके लिए जिक्र किया हुआ है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ चल के, यहाँ पर आप देख सकते हो उम्र सीमा की, अगर अग्निवीर जनरल ड्यूटी की जो भर्ती कराई जाएगी वो 7, 8, 9 नवंबर 2024 को कराई जाएगी। उम्र सीमा 17.5 से 21 साल मांगी गई है, 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। टोटल आपके 45% अंक होने चाहिए, 10वीं की मार्कशीट पर 45% अंक, और हर सब्जेक्ट में आपके 33 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 33% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। उसके बाद में अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो लाइसेंस जरूर लगाएं अगर लाइसेंस है तो आपके पास। उसके बाद अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट जैसे क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपकी जो भर्ती कराई जाएगी वो 10 नवंबर 2024 को कराई जाएगी। उम्र सीमा 17.5 से 21 वर्ष, 10वीं 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। आर्ट कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से आपने की हो कोई दिक्कत नहीं है। आपके टोटल 60% अंक होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 50 से ऊपर नंबर होने चाहिए। साथ ही आपके पास इनमें से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, या तो आपके पास मैथ होना चाहिए या फिर अकाउंट या फिर बुक कीपिंग। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है 12वीं में तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, स्ट्रीम कोई सी भी हो, लेकिन ये सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। उसके बाद अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए आपकी 11 और 12 नवंबर को भर्ती कराई जाएगी। 17.5 से 21 साल उम्र सीमा मांगी गई है, 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। टोटल आपके 33% अंक होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 33% अंक होने चाहिए ट्रेडमैन के लिए आवेदन करने के लिए। उसके बाद है अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास हाउसकीपर के लिए जो 8वीं पास भर्ती रहने वाली है वो आपकी 13 नवंबर को कराई जाएगी। इसमें 17.5 से 21 साल उम्र सीमा मांगी गई है, 8वीं पास योग्यता होनी चाहिए और 33% अंक होने चाहिए 8वीं में। साथ में जिन बच्चों की भर्ती 11 और 12 नवंबर को होगी, जो बच्चे देखेंगे ओपन कैटेगरी, यानी कि अगर आपके पास रिलेशन नहीं है तो आप सिर्फ म्यूजिशियन के लिए, यानी कि आप सिर्फ म्यूजिशियन के लिए भर्ती देख सकते हो, क्योंकि बाकी सारी जितनी भर्ती कराई जाएंगी सब रिलेशन वालों के लिए कराई जाएगी, लेकिन इसमें जो म्यूजिशियन की भर्ती होने वाली है वो ओपन कैटेगरी के लिए रहने वाली, यानी कि आपके लिए ओपन कैटेगरी, सभी बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उनका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो 14 नवंबर 2024 को उनका एप्टीट्यूड, यानी कि म्यूजिक बजवा करके देखेंगे, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और आपको बता दूं अगर आप इसमें फोर्स में जाना चाहते हो और आपकी उम्र सीमा 21 साल से ऊपर हो चुकी है, या फिर आप इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाते हो और अगले साल भी भर्ती में आवेदन नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए एक बेटर वैकेंसी रहने वाली SSC GD की। SSC GD के जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके कब से स्टार्ट हो जाएंगे, SSC GD के 5 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे 5 सितंबर से। इसमें भी आपकी योग्यता 10वीं पास मांगी जाती है, उम्र सीमा 18 से लेकर के 23 साल तक होती है। तो उस SSC GD की तैयारी करने के लिए आपके लिए मैं बुक भी बता देता हूँ किस बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। यह आपकी SSC GD की बुक हो जाती है, जो कि आपकी चाकसू पब्लिकेशन की बुक रहती है। इसमें क्या है कि आपकी अगर आपका सपना SSF में जाने का तो SSF में जा सकते हो, NIA में जाने का तो NIA में, CISF में भी, SSB में भी, अगर आप बॉर्डर पर ड्यूटी करना चाहते हो तो BSF में जा सकते हो, अगर आप आर्मी की वर्दी पाना चाहते हो तो असम राइफल में जा सकते हो, उसके थ्रू ITBP में भी जा सकते हो, CRPF में भी जा सकते हो। तो इसमें आपका जो सिलेबस रहता है वो आपका क्या होता है, रीजनिंग, मैथ, GK GS और हिंदी, ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपके सिलेबस होता है, ये चार सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बुक दी हुई है, चारों बुक आप परचेज कर सकते हो, इनको परचेज करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो SSC GD की भर्ती हुई थी 2019 में, 21 में, 23 में और 24 में जो भी भर्ती हुई थी सभी के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं विद टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, तो आप इन बुकों को परचेज कर सकते हो। इन बुक को परचेज करने से क्या है कि आप अपनी तैयारी और भी बेहतर ढंग से कर सकते हो। इन बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जल्दी से जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके आप इन बुकों को परचेज कर सकते हो। अब हम चलते हैं भर्ती की तरफ वापस से, और उसके बाद अगर हम एज काउंट की बात करते हैं कि एज आपकी कब से काउंट होगी, तो 1 अक्टूबर 2024 से आपकी एज काउंट होगी। जैसे कि अगर आप अग्निवीर जीडी के लिए फॉर्म भरते हो तो आपका जन्म 1 अक्टूबर 2003 के बाद हुआ हो, 1 अप्रैल 2007 से पहले हुआ हो, उसी प्रकार से ऑफिस असिस्टेंट में भी सेम प्रोसेस है, और ट्रेडमैन के लिए भी सेम है, और ट्रेडमैन हाउसकीपर 8वीं पास के लिए भी सेम मांग गया, यानी कि जिस बच्चे का जन्म 1 अक्टूबर 2003 के बाद हुआ है, 1 अप्रैल 2007 से पहले हुआ, वो सभी बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताई दिया, सिर्फ आप म्यूजिशियन की कैटेगरी में, यानी कि ट्रेड्समैन म्यूजिशियन की जो तीन वैकेंसी, इन्हीं में जाकर के भर्ती देख सकते हो ओपन कैटेगरी से, बाकी सभी में आपके पास रिलेशन होना अनिवार्य है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते तो सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल में आपका क्या होगा, 1600 मीटर की रन होगी। फर्स्ट ग्रुप के लिए 5.5 मिनट तक की टाइमिंग रहेगी, यानी कि 5.5 मिनट से पहले आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी। उसके आपके 60 नंबर दिए जाएंगे, और 10 आपको पुलअप्स लगाते हो तो उसके 40 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद 9 फिट डिच आपकी जो नीड क्वालिफाई है, सिर्फ जिगजैग आपके लिए क्वालिफाई, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। सेकंड ग्रुप में अगर आपको जो टाइम की बात करते हैं तो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड तक का आपको टाइम दिया जाता है, और ये आपको इस फिजिकल के 48 नंबर मिलते हैं। साथ में अगर आप बीम लगाते हो तो बीम के यहाँ पर दे सकते हो 9 बीम के 33 नंबर, 8 बीम के 27, 7 बीम के 21, 6 बीम के 16 नंबर आपको दिए जाते हैं इस प्रकार से। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें आपका हाइट नपेगी, हाइट के बाद आपका वेट नपेगा, वेट होने के बाद में आपकी चेस्ट नपेगी, ये होती है, सारा कुछ प्रोसेस चलता है। जिस बच्चे का मेडिकल में पॉइंट बन जाता है उसे MH के लिए रेफर कर देते हैं, उन्हें कुछ दिन का, 5 दिन या 14 दिन का उस प्रकार से टाइम दे देते हैं अपनी पॉलिसी के अनुसार।
उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ बात चलते हैं तो यहाँ पर छूट दी हुई है, किस किस को कितनी छूट दी जाएगी, यहाँ पर आप ये सब पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर क्लिक करके, ठीक है ना। और जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं आपको फॉर्म भर के एक उसका वीडियो बना करके बता दूँगा। साथ में आपको भर्ती देखने बाद जाते वक्त आपको ये डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेकर जाने होंगे, जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, या आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फिर फोटोग्राफ्स 20 कॉपी फोटोग्राफ्स की, बॉडी टैटू, डेथ सर्टिफिकेट अगर आपके पिताजी या कोई एक्सपायर हो चुके हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो ले जा सकते हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप ले जा सकते हो, स्पोर्ट्स तो बोनस मार्क्स या सर्टिफिकेट है ऐसा कोई जिससे आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं तो वो भी आप अपने साथ में लेकर के जा सकते हो। सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, आपको नंबर के बारे में दिया हुआ, किसको कितने नंबर की छूट देखने को मिलेगी या आप इसमें पूरा पढ़ लेना। उसके बाद एनसीसी वालों के दिए हुए हैं, एनसीसी वालों को किसको कितने नंबर मिलेंगे, आईटीआई वालों को किसको कितने नंबर मिलेंगे, सारा कुछ आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और आने वाली पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें। जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं वो एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।